नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा? ये पुनीत जी बोल रहे हैं? आप कौन? मैं सर इटावा डिस्ट्रिक्ट से इटावा से बोल रहा हूँ जी। सर ये बीएड 2011, हमारी वाइफ ये 2011 में उन्होंने किया है सर। और एक्चुअली मैं आपसे सन 2016-17 सर जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को हर चीज की जानकारी है आपकी, जो भी यूट्यूब पे आपके वीडियोस वगैरह आते हैं सर। बस ये कहा है, थोड़ा इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको क्या नाम इसको शिक्षा नीति को न या उसका कोड ऑर्डर को पढ़ सकूं सर। तो हमने तो हिंदी सर में भी केवल मन में एक ही दिया था। जिज्ञासा है सर। हेलो बोलिए। जी सर, मन में एक जिज्ञासा है बस, ये सब का कब तक का सर होने की संभावना है सर ये? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका हिंदी में भी कॉपी है और हमने हिंदी में भी शेयर किया, अभी कल भी शेयर किया है, आज भी शेयर किया है, हिंदी में है वो। तो उसको कोशिश जी। कीजिएगा पढ़ने का, पेज नंबर 157 से लेकर के पेज नंबर 190 तक पढ़ जाइएगा। पूरा नहीं पढ़ना है, जो प्रारूप हमने दिया है पेज नंबर 157 से 190, बस इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें ही सब कुछ जो है शिक्षक से संबंधित है। जी। तो उन्होंने टेट पास किया है, बीएड है, तो पुराना वो सर जी, इन्होंने सर 2000 ही ना, जूनियर वाले भी पास हैं सर, ये अच्छा, जूनियर प्राइमरी दोनों है सर ये। चलिए अच्छी बात है। तो अभी जो है प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर में जो भी रिक्त पद हैं, और रिक्त पद वो भी जो पहले से स्वीकृत हैं, जी। और जो अभी 31 मार्च तक जो रिटायर होने वाले हैं, वो सारे ब्यौरा जो है मांगा गया है। और ये अभी प्राइमरी जूनियर का मांगा गया था, अभी जो है हाई स्कूल इंटर का भी मांगा गया है, टीजी पीएचटी का। गवर्नमेंट आंकड़े जुटा रही है, और जो भी पद खाली हैं जहाँ कहीं भी, वो सारे पद भरने की तैयारी है, उसी के पर्पस ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। तो नया सत्र जो अभी शुरू होने वाला है अप्रैल से, तो अप्रैल बाद जो है ये सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जूनियर टेट पास हैं तो जूनियर की भी भर्ती आएगी, प्राइमरी में भी होगा, तो प्राइमरी में जो कुछ होना वो हम बताते ही रहते हैं, और जूनियर की भर्ती। डीपली आपकी नॉलेज है सर हमें आपसे। खैर, आप काफी लॉन्ग टाइम हो गया हम आप वीडियो देखते हुए आपकी, और जितने भी वीडियो मैं देखता हूँ ना सर, मैं एक्चुअली यहाँ पर ये संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है सर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नाइट वार्डन हूँ सर। तो हमारे साथ भी कई स्टाफ में जुड़े हुए ना, टीचर वगैरह। अच्छा, हाँ, तो मैं उनको भी अपना ये आपके वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ये बताते रहते। शिक्षा मित्र भी दो तीन लोग हैं सर ना, तो उनसे भी, हाँ वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा जो आती मेरे पास वो लोगों को शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, जी। क्या है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करने की प्रक्रिया चल रही है। तो पहले का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से बदला जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट हो या एडेड हो, सब जगह। तो सन 2000 से लेकर अब तक जितने भी भर्तियां, चाहे वो गवर्नमेंट में हुआ या एडेड में हुआ, सबकी फाइल मंगा करके जहां जो भी गलत हुआ है उसको सुधारा जा रहा है। तो आप पढ़ रहे होंगे पिछले 5-6 सालों से लगातार अखबारों में आ रहा है कि कितने फर्जी टीचर जो है पकड़े गए हैं, देखे होंगे आप, जगह जगह से न्यूज आते रहते हैं। एक्चुअली सर, अगर ईमानदारी से कार्य हुआ होता ना, तो 2011 वाले उसी पीरियड सर लग गए होते, क्योंकि फर्जी वेकेशन सर बहुत हुआ था इसमें। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, पीछे हम ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो चीज आगे होने जा रही है उस पर चर्चा किया जाए। तो पीछे जो भी गलत किया है तो उसको निकाला जा रहा है, और जो एडेड वगैरह में पैसे वैसे लेकर के रिश्तेदार नातेदार को या पैसे के दम पर किसी को दे देते रहे 5 लाख 10 लाख रुपए में नौकरी, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो सारे के सारे रद्द करा करके फिर से भर्ती टीजीटी पीएचटी में हुए हैं, जूनियर वगैरह का भी होने हैं। तो यही सब चल रहा है, पीछे का जो गलत हुआ उसको भी सुधार रहे हैं। और जो खाली पद हैं, जो कि सारे पद भरे जाने चाहिए थे लेकिन भरे नहीं गए, लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं, तो सारे पद भरने की तैयारी है। अभी केंद्र सरकार घोषणा करेगी 29 जुलाई को जो है 2023 में, 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को।
जी तो बताया जा रहा है कि जो है उससे पहले या उसके आसपास ही जो है ये प्रक्रिया जी सब शुरू होने की उम्मीद है। अच्छा अच्छा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है और उसी में लिखा हुआ है कि जो जी है इंटरव्यू डेमो जो है शिक्षक भर्ती का अनिवार्य अंग होगा। जी अनिवार्य अंग का मतलब हो गया कि यानी कि वो कंपलसरी है। जी भाई सर, ये इसमें टीचिंग तो करती हैं सर, वो उसमें तो खैर प्रॉब्लम नहीं आएगी डेमो में। अभी इंटरव्यू वगैरह भी है, इंटरव्यू में भी अपना देखती रहती हैं आपके जो वीडियोस वगैरह है ना, देखती रहती हैं वो भी। तो जो भी लोग पहले से टीचिंग कर रहे हैं और जी टीचिंग के टच में हैं, सब्जेक्ट के टच में हैं, तो उनको तो सर, दिक्कत नहीं आने वाली है। कुमारी सर भाई को ये लगभग ये करीब 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए टीचिंग करते हुए। जी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी जी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से उनका सब्जेक्ट पकड़ होगा ही। उन्होंने टेट, सी टेट या जो भी जूनियर टेट जो भी निकाला है तो वो पढ़ाई करके निकाला है, तो सब्जेक्ट पर भी कमांड ही है। अरे सर, उस पीरियड आप ये समझिए सर, जहाँ ये कोचिंग जाती थी ना सर, तो ये करीब 15 दिन कोचिंग की थी, जो नए नए बच्चे थे ना, तो वो कमेंट करते थे उनके ऊपर, कहिए देखो इतने मतलब ये जो कहिए कि अपना कोचिंग कर रही है और हम लोग, और सर उन बच्चों का नहीं निकल पाया जो कमेंट किए, और इन्होंने टैग निकाल दिया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की मेंटेलिटी है। और जी एजुकेशन शिक्षा ऐसी चीज है कि जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, इंसान मृत्यु तक सीखता रहता है कुछ न कुछ। तो ये तो जी जी किताबी ज्ञान है, एग्जाम निकालना है। जो नए नए बच्चे आए जी हैं तो वो अपने हिसाब से उनकी सोच, अब एज का डिफरेंस जो रहेगा उसके कारण वो ऐसा सोच रहे थे। खैर ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब तो हमें कोई चीज करना है तो हमें करना है। अब एज देखें, लोगों की बातें सुने या हम अपना आगे का प्लान करें। बस हाँ, मेन मेन गोल यही, सामने से इनसे यही बोलते थे अपना काम करो, तुम मन से कौन क्या कह रहा कहने दो बस। क्या फर्क पड़ता है? आज वो बच्चे जो है टेट पास नहीं हैं और इनका जो है हो गया। जी, हाँ जी जी सर, दोनों निकल रही है। हाँ अच्छा सर, तो इसमें इसमें एज लिमिट वाली सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी इसमें, जैसे ये 41 के आसपास है सर ये। देखिए, हर भर्ती में एज लिमिट रहता ही रहता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ छूट होते हैं, तरह तरह के चीजें हैं। जी तो चूंकि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरने हैं जी और लाखों पद हैं, बहुत भारी, मतलब अभी जब आंकड़े आएंगे सामने, जब गवर्नमेंट घोषणा करेगी तो देखिएगा टीजीटी, जी पीजीटी, जूनियर, प्राइमरी सबके काफी पद हैं, लाखों पद हैं। जी जी तो जब भर्ती शुरू होगी तो उसमें तरह तरह के छूट का प्रावधान पहले से बना हुआ है, और भी छूट जी दिए जाएंगे। और सबको पता है कि जो है लंबे समय से जो है बीएड वालों को जो है भर्ती में मौका ही नहीं दिया गया है। फिर बीच में इधर कोरोना भी आ गया था, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हम आप नहीं, हर कोई जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है। जी तो इसलिए जो है तरह तरह के छूट जो दिए जाते हैं और भी छूट दिए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी होना है उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो जी इसका फैक्टर जो है वो रहेगा तो जी जरूर, लेकिन जहां जहां छूट दिया जाएगा तो उसमें जो लाभ मिलेगा। तो अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव जी रह करके अपना जो है जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हैं करते रहें। जो जी होना है, जो चीज अपने हाथ में है उसको किया जाए, जो चीज अपने हाथ में नहीं है वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी और पढ़ाई या तैयारी कोई भी बेकार नहीं जाती है, वो जो सर, है एक्सपीरियंस में काउंट होता जाता है, अनुभव में जुड़ता जाता है। नॉलेज जितना रहेगा उतनी अच्छी बात है। और क्या आप सर इसका सर ये जैसे यहाँ पढ़ा रही है इस समय, तो वहां से क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना ले ले सर क्या, उससे वो कुछ काम आएगा सर क्या? हाँ, जहाँ कहीं भी इन्होंने पढ़ाया है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है लेते रहें। और जहाँ जी जी पढ़ा रही हैं अभी, अगर वहाँ पर पढ़ाना है तो अगर वो देने को तैयार हैं आसानी से तो ले लें, नहीं जब कभी जी छोड़ने की बात आएगी तब ले लेंगे, बाद में ले लेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है हर फील्ड में। जी तो एक्सपीरियंस से क्या होता है कि ऑलरेडी जो बंदा वो वर्क कर चुका है, उसके पास अच्छी जो एक्सपीरियंस अनुभव है, तो फ्रेशर की जी तुलना में तो वो सुपीरियर है भाई। डिग्री तो जैसे अब आपकी मिसेज हैं वो, और एक कोई फ्रेशर, कोई नया बंदा हो, तो डिग्री जी में दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों लोग।
भाई, बिल्कुल दोनों बिल्कुल लोगों सर, ने बीएड या बीटीसी जो भी किया हो, टेट वगैरह किया हो, भले ही उसके नंबर ज्यादा हो, लेकिन इनके पास इतने साल का अनुभव है तो काम करने की दक्षता भी तो है। जी, हाँ उसका बेनिफिट मिल जाएगा तो कौन नहीं चाहेगा कि जो है अनुभवी लोग आए। आप ही को घर में जो है रंगाई पुताई कराना हो, कोई नया बंदा हो, कोई पुराना हो जो कि पहले से ये सब काम कई सालों से कर रहा हो सर। अरे बिना सर एक बात कमाई और से। कहना चाहूंगा सर आपको, जो आप ये एग्जांपल देते ना सर, बिल्कुल सॉलिड एकदम, बिल्कुल सटीक निशाने बैठते, बिल्कुल सही समझ में आ जाता सब। एग्जाम्पल्स का उद्देश्य ही यही होता है कि इसको हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आसानी से समझ जाए। अब अगर किसी को हम जो है ऐसे एग्जाम्पल दें जिसने उसका नाम तक न सुना, उसके बारे में कुछ जानता ही ना, ऐसा एग्जाम्पल, टिपिकल एग्जाम्पल दे दें, तो फिर उसे तो एक चीज समझना था, वो समझ में नहीं आया, दूसरा और उसके सामने हमने जो है समस्या खड़ा कर दिया, दूसरी बात वो उसमें उलझ जाए। सही इसलिए बात जो है। है अभी तो एग्जाम्पल का कल मैं जो मैंने आपका वीडियो को देख रहा था ना सर, उसमें वो शिक्षा मित्र कह रहा था कि वो उसका बुआ का लड़का वो सुसाइड करने जा रहा है। वो अपने बताओ, सुसाइड करने से कोई ऑप्शन है क्या इसका? और जबकि हकीकत देखा जाए सर, शिक्षा मित्रों को अब 10,000 रुपीज मिल रहा है, क्या ये 10,000 कम है? किसी मतलब प्राइवेट टीचर को 10,000 रुपीज सर नहीं मिल रहा है? 5-5, 6-7, 8 हजार ये पढ़ा है। जब भी मेरी बात होती है, हम सबसे एक ही चीज कहते हैं, एक बार आप निकलिए घर से बाहर और जाइए, सिर्फ 5,000 रुपए की नौकरी ढूंढ लीजिए एक, तो सही फिर बात, जो है बिल्कुल कहिए कि 10,000 कम मिल रहा है तो समझ में आए। क्योंकि आप फिर वो तुलना करते हैं परमानेंट टीचर से, कहते हैं कि परमानेंट टीचर को इतना मिला। भाई परमानेंट को मिल रहा है तो आपको भी मौके मिले हैं 22 साल में, 22 साल में किसी ने आपका हाथ पर नहीं बांधा था। अभी 69,000 हुआ, 68,000 हुआ, आपको वेटेज वगैरह मिला, तो आपको तो तरह तरह के छूट भी दिए गए। आप उम्र की बात करते हैं तो उम्र के कारण ही तो इतने जो वेटेज वगैरह दिए गए, तो वो सही बात है। जो है तब बोल नहीं पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक शिक्षा मित्र का कॉल आया था, तो उनसे जी ऐसे ही हम थोड़ा दो चार सवाल किए, उन्होंने फोन काट दिया। तो अक्सर जो है ज्यादातर शिक्षा मित्र तो फोन करते हैं जब उनसे दो चार सवाल कर लेते हैं, तो ये आपने ये क्यों नहीं किया, इतने साल आप क्या कर रहे थे, 5,000 की नौकरी आप कभी खोज करके देखिए, जब इस तरह की बातें करते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। सही बात तो वो जो है जो व्यक्ति सोच रखा है कि नहीं हमें खुद से कुछ नहीं करना है, जो है गवर्नमेंट हमको, गवर्नमेंट ने पैदा किया है, गवर्नमेंट हमारा सब करेगी, मुंह में खाना गवर्नमेंट डालेगी तभी हम खाएंगे, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात सर। अरे सर स्टार्टिंग में ना सर, जब आपसे थोड़ा नहीं जुड़े थे इधर बीच, तो ये हमारे यहाँ वो अखिलेश यादव जी है ना, वो जिला अध्यक्ष थे यहाँ के, और वो मान बहादुर पटेल सर। मान बहादुर तो ये बीएड टेट वाले ना, हाँ, और अखिलेश तो यादव सर कौन? अखिलेश यादव है, वो लड़का एक बनाया था उन्होंने जिला अध्यक्ष यहाँ का इटावा का। अच्छा। हाँ तो उसी के मार्फत में वो कलेक्शन करते थे, तो मैं कई मीटिंग में गया भी, तो 2,000, एक बार 2,000 रुपया दिया, एक बार 1,500 रुपया दिया, वो याकी बनने के लिए ना सर, कि याकी बनिए आप लोगों का काम हो जाएगा, ये है वो है, और पैसे दिए, मगर आज तक कुछ। अब फोन करते, अब वो फोन उठाता, अब नंबर ही चेंज कर दिया उसने अखिलेश ने। नंबर बदल दिए, फोन नहीं उठा रहे हैं। गलती से कभी मान बहादुर या ये लोग मिल जाए, नहीं जी, उनका नहीं तो आपके घर। साथ बिल्कुल, मैंने सोच लिया अगर वो कहीं दिखते कहेंगे तो अपनी बात के, भाई ऐसा क्यों करा नहीं, तुमने ये। सिर्फ कहेंगे तो वो बहाने बनाएंगे, उनका जो है दोनों हाथ बांध करके दो थप्पड़ लगाई सच्चाई सारी उगल देंगे, वो यही बात है सर, सब वो उगल देंगे कि वो 2,000 रुपए या जो भी आपने पैसे दिए उसका उन्होंने जो है कहाँ खर्च किया है, 1 रुपए वो कोर्ट कचहरी या कहीं खर्च नहीं किए हैं, सिर्फ फालतू में ये कहीं नौटंकी तो। किए, सब अरे लूट सर करके जब खाए जब हम हैं। लोग जब जब मीटिंग होती थी, बुलाती थे ना 10-15-20 दिन बाद, तो बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन के आता था वो। हमने देखो ये लग रहा है कि बिल्कुल अभी परचेज दुकान से परचेज करके लाए हो, तो वो यही सर करते थे, मतलब जाना आना मौज मस्ती सब करना अपना, और इसी खर्च किए हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, कुछ अब आप नहीं किया। बताइए कि जो भी बातें शेयर करनी है, शेयर करने के बहुत सारे माध्यम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, हम शेयर कर ही रहे हैं ना, वही जो भी जानकारी है, जी, किसका 1 रुपये खर्च हो रहे हैं, हम किसका खर्च करा रहे हैं, कहीं बुला रहे हैं कि हाँ आ जाओ इतना पैसा दे दो ये नहीं करो, तो ये काम वो लोग भी कर सकते थे, लेकिन उनको पैसा लूटना था। तो भाई गोपनीय बात है, हर किसी को नहीं बताना है, बस जो लोग शामिल होंगे उन्हीं का नाम रहेगा, ऐसा होगा वैसा, वो झूठ बोल बोल करके बेवकूफ बना बना करके जो है बहका करके पैसा लूटते रहे ये लोग। और बीएड टेट वालों, 2011 को शिक्षा मित्र को आपका आजीवन ऋणी होना चाहिए, माने या कोई ना माने सर। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर, आपके द्वारा बहुत सही जानकारी दी जाती है,
और उसी जानकारी के ऊपर हम लोग सर भी काफी मतलब पॉजिटिव रहते हैं। मगर ये तो कहेंगे जो शिक्षा मित्र या बीएड वाले नहीं समझ रहे उनको समझना चाहिए आपकी हर बात को। देखिए सर तो सही काम होने के बाद अपने वाइफ के साथ आपसे जरूर मिलने आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कहाँ पर आप कहाँ बिलोंग करते हैं सर आप, किस डिस्ट्रिक्ट में सर? बनारस से हैं हम। अच्छा अच्छा बनारस से सर। देखिए किसी के आंख में दिक्कत है वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर आंख में जो बीमारी है जो दिक्कत है उसको ठीक कर सकता है, बिल्कुल सर लेकिन बिल्कुल लेकिन क्या देखना है वो व्यक्ति को खुद सोचना पड़ेगा। कोई जाकर के गंदगी देखेगा, कोई जाकर के अच्छी चीजें देखेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सर डॉक्टर जो है आंख में दिक्कत है, नजर में कोई दिक्कत है तो नजर सही कर सकता है, नजरिया नहीं सही कर सकता। तो हम जो है बस एक जी गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, काउंसलिंग लोगों की जी कर रहे हैं, बाकी उसके बाद किसको क्या करना वही जाने। जैसे अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में सम्मेलन था शिक्षा मित्रों का, जी हाँ शिक्षा मित्रों को सर जी। तो उसके पहले भी हम जो है वही चीज कह रहे थे, उसके बाद भी हम वही कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने रखा था, जिन लोगों ने बुलाया था, ये कह करके बुलाया था कि उस दिन आओगे तो मानदेय बढ़ जाएगा, नौकरी पक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा, अब वही लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरे पास लोग फोन करके बता रहे हैं वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, तो हम पहले और भी कुछ मना कर रहे थे मत मिला जाओ, सर धरना प्रदर्शन से क्या मिला? कुछ नहीं कुछ नहीं। नथिंग। हम तो वही हम उनसे अब जब किसी का फोन आ रहा पूछते हैं, भाई कि सम्मेलन में जो गया और जो नहीं गया दोनों में फर्क बताओ क्या, किसी को कुछ ऐसा हुआ कि जो गया हो उसको मिल गया हो कोई चीज और जो नहीं गया उसका कुछ जो है नुकसान हो गया हो, तो कोई मतलब नहीं है। जो चीजें सरकार को करनी है, जो विभाग संबंधित काम है, चाहे मैं तो उन्हें सर सच कुछ बताऊं ईमानदारी से, मैं बाइक वगैरह कभी भी आज तक किसी भी धरने पर वहां नहीं गए सर, लखनऊ वगैरह, ना लखनऊ ना कानपुर, कहीं भी नहीं गए। केवल ये अज्ञानता बस मान लीजिएगा, स्टार्टिंग में ये थोड़ा इनके बातों में आ गए, अदरवाइज हम लोग कहीं नहीं गए। हमने कि जो भी होगा गवर्नमेंट करेगी और वो सामने आएगा। और फिर बिल्कुल मैं इधर भी आपसे 16-17 से आपसे जुड़ गया हूँ, फिर तो सवाल ही नहीं सर कहीं भी। मतलब हमने कि आप सर के जो वीडियोज आ रहे हैं बिल्कुल बात सही लगती है, सोलो आना सच आपकी सर, तो अपनी वही फॉलो करेंगे, वही देखेंगे हम लोग। अब बताइए कि आजकल जो है ये मान बहादुर कहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ लिखते बोलते कहीं हैं? नहीं कहीं। अरे सर वो स्टार्टिंग में वो नहीं क्या नाम, वो हिमांशु राणा, उसने अपना एक चेला कोई भेजा था, खूब हेल्दी पर्सन था वो, तो वो देखिए हमें बीएड टेट 2011 को कौन जानता था, आज हिमांशु राणा की वजह से सब जान रहे हैं। हिमांशु राणा देखो इतने लोग नौकरी दिला दी, ये दिला दी, आप लोग बनिए, आप लोग हमसे जुड़िए, ये वो। अरे हमने तो वाले ऐसी है, हमने इसको हिमांशु राणा फलाने को कहाँ देखेंगे, अब ढूंढेंगे हम लोग, कोई अब नहीं ये बस जुड़ा बताइए, उससे। मान लीजिए बीए टेट को हिमांशु राणा कह रहा है कि या उनकी टीम कह रही है उनकी वजह से जान रहे हैं, ठीक, जी। आप तो जो है मेरे ऑडियो सुनते हैं, तो ये बताइए जी कि हमारे ऑडियो में जो भी बातचीत होती है तो 12,460 BTC की भर्ती, 69,000 की भर्ती जो है, 68,500 की, बिल्कुल हर भर्ती की चर्चा होती है कि नहीं? बिल्कुल 839 सब सभी की होती, सभी की सर तो जी। जिसकी भी चर्चा होती है क्या सब में हिमांशु राणा थे इसीलिए होती है, इसीलिए लोग जानते हैं, या वो भर्ती गवर्नमेंट ने निकाली इसलिए लोग जानते हैं? सही बात हिमांशु राणा की वजह से जानते हैं तो और भर्तियों को लोग कैसे जानने लगे, है उसमें तो हिमांशु राणा नहीं थे। जी। तो भाई जो चीज गवर्नमेंट करेगी, चाहे 5,000 भर्ती निकाले, चाहे 10 भर्ती निकाले, चाहे 10 लाख भर्ती निकाले, जो भी गवर्नमेंट करेगी, जो भी चीजें जी सामने आएंगी उसको तो लोग जानेंगे ही ना। जी सही बात है बिल्कुल। तो ये तो फालतू में ये सब वाहवाही लूटने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए, मियां मिट्ठू बनने के लिए ये सब बोलते हैं। बस हिमांशु राणा के साथ वही अमित सिंह रहा है, सेंगर रहा है, यही सब तो लोग करते जी। रहे हैं, अभी सब गायब हो चुके हैं। आप कपिल देव थे सर, एक कपिल देव भी आए थे बीच में, कपिल महेंद्र देव आए थे, वो भी गायब हो गए नौकरी में, बस सब आए थे। तिवारी सर है, महेंद्र तिवारी भी सर इटावा आ चुके, ये कंपनी बाग में लोगों मीटिंग करते थे, फिर कॉल करते थे, हम लोग जाते थे, विचार सुनते थे, भाई हमने की सब एक ही हुआ, फिर हमने आइडिया, हमने सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं, सब सब कुछ जब नहीं होना। जब ये आए थे मयंक तिवारी, उस समय का अगर आप खोजिएगा पोस्ट या आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा जा रहा था बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है वो है। अपना जैसे ही मयंक तिवारी को नौकरी मिली वो गायब हो गए। तो उल्लू सीधा किया, सब निकल लिए, सही बात है सर। होता क्या है कि मान लीजिए हमारी टीम बनी, हम आप और मिलकर वही कर सर होते त्रिवीण श्रीवास्तव, त्रिवीण श्रीवास्तव का भी बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट आता था फेसबुक पे, तो बहुत ये उनका पोस्ट पढ़ो तो ये लगता है ये व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है, मगर हकीकत में देखा जाए उनका ये लफड़ा था खूब। हमने अपना स्कूल वगैरह किए अपने, दो दो जो है अपना खुद का कॉन्वेंट स्कूल खोल लिए इंग्लिश मीडियम,
और जी बताते हैं लोग काफी बड़े बड़े हाईवे किनारे कहीं पर महंगी जमीनों पर खुले हुए हैं, जी जी तो कहाँ से आ गया इतना पैसा? वो भी तो हमारे तरह और अन्य लोगों की तरह जो है बेरोजगार ही थे, तभी सर तो वो। इसी बात की जैसे नहीं सर, वो कौन था अभी ये सच्चा मित्र गाजी मामाला कौन था, ये दुआएं दुआएं बद्दुआएं सर कहाँ ले जाएंगे जी लोग, वो जितेंद्र शाही। जितन साई वही सर दुआएं बद्दुआएं लगती हैं। हम तो उससे अखिलेश को गरिया देते कभी कभी, हम लोग फोन नहीं उठाता, हमने बद्दुआ ही निकल ली, हमने साढ़े हमने कैसे वो तो उसके 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये मैनेज करके दिया, हमने आज फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी देखिए एक एक और है, बीएटेड 2011 में सुनील यादव, हाँ सुनील यादव सर, ये तो हाँ ये जो है इतना, मतलब अभी भी इसको शर्म नहीं आती है, आज भी झूठ बोल बोल करके लूट करता है, और जी इसके ऊपर कई केस दर्ज हैं। जी इसके जो है ऊपर जो इसके वाइफ पर या इसके घर वर पर कोई कार्रवाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? भाई कुछ गलत हुआ जी तभी तो कार्रवाई हुई होगी। जी तो अभी सही फेसबुक पर, बात टेलीग्राम पर सब जगह रोना रो रहा है कि हमें नोटिस मिली है, ऐसा है वैसा है ये है वो है, रोना रो रहा है। तो भाई तुम जब उल्टा सीधा काम करोगे, फर्जी काम करोगे, लूट करके कोई काम करोगे, तो कार्रवाई होगी ही। जी। चुनाव अभी जो भी पीरियड में सर चुनाव हुए थे जब ये विधानसभा का, अब उसमें देखो कितना आगे आगे भाग रहा था ये, है अखिलेश भैया जिंदाबाद सर, ये दुनिया भर का सब ये लगता था कि नौकरी दिला देंगे तो ये तो सपा आईटी सेल का है, इसीलिए तो आया है, सिर्फ प्रचार कार्यकर्ता करने के लिए। जी जी वो तो हमेशा जब भी देखेंगे आप, बीजेपी जो है या गवर्नमेंट जो सत्ता में रहेगी उसका विरोध में बात करेगा और सपा की बात करेगा, ये तो शुरू से है इसका। तो खैर जो है, तो जो भी गड़बड़ियां किया है तो उसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हो ही रही है। देख रहे हैं आप टीवी पर कई लोगों के यहाँ बुलडोजर चल रहे कहीं अरे हैं। जरा तो अभी जो है जो भी इस तरह के लोग आ रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो जी कार्रवाई तो बनेगी ही। और बिल्कुल जो बिल्कुल सरकारी कार्य में बाधा डालेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसको भी, जैसा भी वो एक है ना गायिका, क्या नाम है, राठौर, हाँ वो कावा हाँ वाली कावा, मतलब नदी कावा में रह के मगर से बैर, रहना यूपी में ही जी है और यूपी में कावा करके गा रही हैं। भाई आपको भगवान ने जो है गला दिया है, आपको बुद्धि विवेक दिया है, आप लिख रही हैं, बढ़िया लिख सकती हैं, बढ़िया गा सकती हैं, तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए, उस पर गाइए, सही बात अच्छी है, अच्छी चीजें लोगों को बताइए। पर शासन प्रशासन का विरोध करके थोड़ा काम चलेगा, वो भी पार्टी जो सत्ता में उसका आप विरोध कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा। तो अभी क्या है कि जो है उनकी बुद्धि जो है ठिकाने लग चुकी है, उनको भी समझ में आने लगा है, अब जो है काबा काबा अब अगला एपिसोड नहीं आएगा। तो ऐसे ही अच्छा खासा ये लोग जो है उल्टी खोपड़ी के हैं भाई, दुनिया में 100% हर चीज कभी न सही हुआ है न कभी होगा। नहीं होगा, सही बात है अब बिल्कुल 5-10% गड़बड़ियां रहेंगी, अब कोई 5-10% देख करके ही बस उसी पर जीता रहे तो वो तो नेगेटिव रहेगा हमेशा, बाकी सही बात है 80-90% कहीं सही है कुछ उसको देखना ही नहीं चाह रहा। तो ये लोग वही हैं कि बस 5-10% चीजों को देखेंगे और उसी की जो है खूब बढ़ा चढ़ा करके लोगों को भड़काएंगे, तो इनसे दूर ही रहना सही है। खैर ये लोग तो कुछ भी करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट को जो करना अपना वो कर रही है, जी। और बीएड वैलिड नहीं था तो क्या आज वैलिड है, अरे सर और बीएड वैलिड हुआ ये आपका टेट क्रैक कई हुआ। लाइफ टाइम हुआ सर, कई ऐसे काम की इन्हीं सर कामों से तो आशा जगती है कि आखिर बीएड वास क्यों किया उन्होंने लाइफ टाइम, ये वैलिड क्यों किया कभी भी आप है, देखेंगे कभी जितने नेता हैं इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं कि ये नहीं जो जो कभी चीजें नहीं हुई हैं वो बातें करते हैं जो नहीं हुई है। नहीं हुई है, सही बात है भाई जो चीजें हुई हैं तो किस कारण से हुई वो भी तो बताओ, लेकिन जी। उसकी चर्चा कभी नहीं करते हैं। खैर बता गवर्नमेंट बता दें सर इनकी दुकान बंद हो जाएगी ना फिर इनकी वही बात कि अगर बता देंगे सच्चाई दुकान तो फिर दुकान इनकी चलेगी नहीं, इसलिए कभी नहीं बताया इन लोगों बंद ने। हो जाएगी खैर गवर्नमेंट अपना कर रही है जो भी चीजें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होना है, सब हो रहा है, बस नए सत्र यही 2023 में सब कुछ होना है। हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ लिखा है कि जो शिक्षा मित्र या शिक्षा कर्मी, ये जितनी योजनाएं हैं वो 2022 तक ही रहेंगी, बस हाँ 2022 तक रहेंगी, सही बात, स्पेशली उसमें स्पेशली तारीख दिया हुआ है 2022, यानी दो कि हजार दो बाईस हजार दिया बाईस था तक के लिए जी ही था। अब 2022 सत्र ये समाप्त होने जा रहा है, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, जी जी तो अब जो है नया सत्र जो शुरू होगा तो अब जो उनकी प्लानिंग है उस तरफ बढ़ेंगे,
अब तो वो समय आया है जब वो प्लान किए हैं हर चीज करने का, जी तो बस थोड़ा सा धैर्य और, जैसे इतने दिन हो गए वैसे हमारी कुछ दिन और। वाइफ परेशान हो जाती, बोले इतना लॉन्ग टाइम हो गया अभी कुछ नहीं हो रहा, ये है वो कुछ नहीं हो रहा, अभी उनसे उनसे थोड़ा कहिए, उनसे कहिए कि एक दिन में बढ़ा। नहीं अरे होगा, एक दिन सर लेकिन जरूर होगा। हाँ सर एक रुक का स्टेप, वो इस समय बैठी है, सब पापड़ बना रही हैं, समय होली का माहौल चल रहा है ना सर। हाँ थोड़ा सा बात कर लीजिए आप प्लीज। हेलो बिल्कुल करा दीजिए। जी हेलो, हाँ नमस्ते जी नमस्ते। पापड़ वापड़ बन गए? बनाइए सर, सर वही कर रही हूँ। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल हम भी आते हैं खाने। सर, आइए, मोस्ट वेलकम। और कैसी हैं? बस सर सही है, अभी आप लोगों की बातें हो रही हैं तो वही मैं भी सुन रही थी। अच्छा, और एक बात जरूर कहना चाहूंगी सर, हाँ जी कि बताइए। मेरे हस्बैंड का बहुत विश्वास है। अच्छा, मेरा तो विश्वास बीच में डगमगा गया था 2 साल पहले। हमने इनसे बोला आप बेवजह पीछे पड़े हो, बेवजह सुनते रहते हो, सब चीजें कुछ नहीं होना है, क्योंकि मुझे वाकई में बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ये काम कभी होगा। लेकिन इनके विश्वास से मुझे विश्वास हुआ कि इतनी ये विश्वास दिखा रहे हैं, और आपकी वीडियोस वगैरह भी कभी कभी टाइम निकाल के सुन लेती हूँ, तो ही मुझे लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल तो होगा, अगर जो है जिनकी बीएड वैलिड किया गया है, टेट लाइफ टाइम किया गया है, जी, तो जो प्लानिंग है जिस कारण से किया गया है वो अभी तो हुआ नहीं है, इसलिए लग रहा है कि जो है कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगी, जो जो काम हो चुके हैं, तो वो चीज़ें इशारा कर रही हैं साफ साफ कि जो है जो प्लानिंग किया गया है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़ रही है। तो जैसे इतने समय कट गए, वैसे थोड़ा समय और, क्योंकि है क्या कि पिछली सरकारों ने इतना गड़बड़ कर रखा है, केंद्र सरकार रही हो चाहे राज्य सरकार, सबने जो है मनमानी तरीके से बहुत कुछ किया है। अभी पूरा सिस्टम ही सुधारा जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सब चीज किया जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगना ही था। अभी देखिए कि जो है शिक्षा मित्र जो थे वो सबसे ज्यादा बवाल तो यही करते थे, क्योंकि इनके में जो है क्या है कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, भेड़ चाल है, तो ये एक साथ कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो इनको सबसे पहले हैंडल करना था। तो कुछ कोर्ट ऑर्डर थे तो गवर्नमेंट ने उन कोर्ट ऑर्डर को पूरा किया। अब इनके चार चार बार इनको टीटी का मौका मिल चुका है, तो अब जो है भी टेट पास कर चुके हैं उसमें क्लियर है कि वो टेट पास हैं, बाकी जो नहीं है तो उनका क्या करना है वो भी उन्होंने तय कर लिया। तो अब जा रहे हैं करने, जो टेट पास हैं प्राइमरी में होंगे, जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में, और प्राइमरी में सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं, बीएड बीटीसी सबका प्लानिंग किया गया है, जितने भी पुराने मैटर हैं, जो भी पुराने लोग हैं, देखिए फोन आते रहते हैं, 2004 के लोग हैं, 2007 के हैं या और पहले के हैं, सबके फोन आते रहते हैं, उस समय का कोई ना कोई मैटर है, कोर्ट कचहरी वगैरह हुआ है, कोई जजमेंट आया है, तो वो सब जो है अभी तक पेंडिंग है, और सब गवर्नमेंट को वो सब करना है। तो लोग तो काफी लंबे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर वगैरह लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं हुआ है, तो अब वो सारी चीजें होने जा रही हैं, और इसी 2023 में होगा। और अभी हमने जो है कल ही शेयर किया है एक पेज जो है, उसमें साफ साफ लिखा है शिक्षा मित्र वगैरह ये योजना जो है 2022 तक के लिए थी, तो अब ये सब बंद होना है, तो जो रिक्त पद है उनका ब्योरा जुटाया जा रहा है, जो संविदा वाले पद हैं वो संविदा खत्म किया जा रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है कि अस्थायी नियुक्तियां होंगी और ये 2023 में ही होना है। अच्छा सर, दरअसल सर बीच बीच में हमारी इनकी इस बात पे बहुत ज्यादा बहस भी हो जाती थी, और बहुत ही हमको प्रेशराइज करते थे कि नहीं तुम बात करो सर से, बात करो। तो हमने एक दो बार आपको फोन ट्राई भी किया लेकिन उठा नहीं फोन। तो हमने उनसे बोला, हमने कहा आप हम नहीं बात कर रहे हैं, 2 बार हम कर चुके हैं, फोन उठाते ही नहीं है। तो बोले नहीं करती रहो, देखो तुम वीडियो सुनती नहीं हो और कितने लोग सब बात करते हैं, तुम्हारे मन में जो भी हो वो सर से पूछो। तो उस समय तो हमने इनसे यही बोला कि पहली बात तो हमें भरोसा ही नहीं है कि होगा ये काम। उस समय मेरी मतलब मेरे अंदर जो थिंकिंग थी माइनस वाली, तो वो मैंने इनसे बोला। जानती हैं क्यों भरोसा नहीं हो रहा था, हम बताते हैं। आप जो है हमारा अकाउंट नंबर ले लीजिए, 5-10 हज़ार रुपये भेज दीजिए, उसके बाद ये बातें हम आपको बताते हैं, तब भरोसा होगा, तब नहीं नहीं बोलेंगे सर, तब नहीं होगा सर, भरोसा, नहीं पैसा लेकर मेरी के जो बात बातें सुनिए। बताएंगे ना तो भरोसा होगा। नहीं सर, जब ये याची बनने के लिए भी इन्होंने बोला था तब भी मेरी बहस हुई थी इनसे। हमने बोला कि हम नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा, ये लोग सिर्फ सिर्फ लूट रहे हैं, ये मेरी इनकी बात हुई थी। तो
बोले नहीं नहीं तुम्हें तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहता है, बोले सब कर रहे हैं तो करके ही देख लो। हमने कहा हाँ, करके ये देख बात लो। जो है, ये जो कि सब कर रहे हैं इसलिए, हाँ, जो भारत है इसमें जो है 90% लोग बर्बाद इसीलिए हैं कि सब कर रहे हैं इसलिए भीड़ हम भी कर देखिए रहे हैं। भागते हैं। हाँ सही बात है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, 2013 के आसपास का है, 2012-13 महाकुंभ लगा हुआ था इलाहाबाद में, और उसमें हम इलाहाबाद में ही थे, जी और उस दिन कोई स्नान था, सबसे ज्यादा भीड़ उस दिन होनी थी, जी तो हम रहते थे थल्लापुर में, वहां से संगम तक जाने में घड़ी देख करके 8 से 9 मिनट लगते थे पैदल जाने में, जी और उस दिन स्नान था, रात के 11 बजे हम लोग रूम से निकले, और वहां संगम तक पहुंचने में सुबह का 4 बज गया, सोचिए कितनी भीड़ रही होगी, यानी कि सही जो बात है। जो दूरी हम लोग पैदल चल के 8-9 मिनट में बात करते हुए तय करते थे, वो दूरी तय हाँ करने में 5 घंटे लग गए। उसी जी 5 घंटे के दौरान एक घटना भी घटित हुई, हड़कंप मच जी गया कि जो है आग लग गई है, जबकि हुआ ये था कि स्टेशन पर कोई ओवरब्रिज टूट गया था, और वो अच्छा स्टेशन पर हुआ था, और हम लोग हैं संगम संगम पर, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हाँ लेकिन अफवाह फैल गई कि आग लग गई है। जो हाँ दूरी हम लोगों ने 5 घंटे में तय किया था, अब वो सारी भीड़ वापस आ रही थी, भागना था सबको, हाँ क्योंकि वो लोग बाहर से आए थे, दूर से आए थे, तो उन लोगों के दिमाग बस एक ही चीज आया कि भीड़ जिधर भाग रही उधर भागो। उधर ही भागो। हम सही लोग वहीं के लोकल थे, हम लोग तो रोज टहलने जाते थे शाम को, तो हम हाँ लोगों ने तय किया कि भाई भीड़ जिधर से आ रही है वो तो जगह खाली हो रहा है, तो हम लोग उधर ही हाँ जाएंगे, हम लोग भीड़ की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो हम लोग फिर जो है भीड़ की तरफ जाते हैं, तो उसी में हाँ धक्का मुक्की में बहुत कुछ घटनाएं हुई उस दिन, तो हाँ हम लोग भी शायद उसी के शिकार हो गए होते, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि नहीं हम लोग उधर जाएंगे। उसमें कुछ एम्बुलेंस भी फंसे थे, उनको भी हम लोगों ने, 4-5 हम लोग मित्र थे, एम्बुलेंस को निकाला, जी एक व्हील चेयर पर व्यक्ति था बीमार था उसको हम लोगों ने निकालना, वो लोग भी उल्टा भागना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं आप लोग अब भी रुक जाइए, 10 मिनट में पूरा मैदान खाली होगा, आप लोग इधर हाँ चलिए। मुश्किल से 10 मिनट बाद पूरा मैदान खाली था, दूर दूर तक सिर्फ जूते हाँ चप्पल फैले हुए थे, तो लोगों का मानना था जिधर भीड़ भाग रही उधर भागो। हुआ क्या, उस दिन न जी कोई आग लगी थी न कुछ हुआ था, लेकिन जो लोग जिधर भागे थे लगभग 99% लोग घायल थे, चाहे हल्की या बड़ी चोट सबको आई थी। तो जी ये जो भेड़ चाल है लोगों के दिमाग में, दुनिया जिधर जा रही है, लोग जिधर जा रहे हैं।